दोस्तों शत्रु सिन्हा के घर में बजने वाली है शादी की शहनाई। इसी महीने सोनाक्षी बनेंगी बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल की दुल्हनिया। छप गए हैं वेडिंग कार्ड, मेहमानों की लिस्ट भी है तैयार। बस कुछ ही दिनों का है इंतजार और फिर शत्रु सिन्हा के दामाद बन जाएंगे जहीर इकबाल। जी हां, बॉलीवुड से आई है धमाकेदार खुशखबरी। आखिरकार 37 साल की उम्र में सोनाक्षी बनने जा रही है दुल्हन। अभी 2 जून को अपना 27वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया था और अब बॉलीवुड के गलियारों से सोनाक्षी के शुभ मंगल विवाह की खबरें सामने आई हैं। खबरें हैं कि फाइनली सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने अपने प्यार को शादी के बंधन में बांधने का फैसला कर लिया है। उससे भी खास बात तो यह है कि सोनाक्षी और जहीर इसी महीने शादी करने जा रही हैं। जी हाँ, इसी महीने 23 जून को सोनाक्षी और जहीर हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे के हो जाएंगे। यानी कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी में सिर्फ 13 दिन ही बाकी हैं। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शादी के कार्ड से लेकर वेन्यू और मेहमानों की लिस्ट तक सब कुछ फाइनल हो चुका है। तो चलिए आपको भी सोनाक्षी और जहीर की मच अपडेट अपकमिंग वेडिंग की डिटेल्स बता देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनाक्षी और जहीर एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी करेंगे, जिसमें शामिल होने के लिए खास मेहमानों को ही न्योता भेजा गया है, जिसमें दोनों परिवार के करीबी सदस्य और क्लोज फ्रेंड शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है मेहमानों को पहले ही वेडिंग कार्ड्स भेजे जा चुके हैं। सोनाक्षी का वेडिंग इनविटेशन मैगजीन कवर की तरह डिजाइन करा जाएगा, जिस पर लिखा होगा अफवाहें सच हैं, शादी में शामिल होने वाले गेस्ट से फॉर्मल्स में आने की रिक्वेस्ट की गई है। ये सेलिब्रेशन शिल्पा शेट्टी के रेस्ट वेस्टियन में ही हो सकता है। सोनाक्षी और जहीर एक दूसरे को लंबे वक्त से डेट कर रहे थे, हालांकि दोनों ने आज तक अपने रिश्ते पर खुलकर बात नहीं की। 36 साल के जहीर ने 2019 में फिल्म नोटबुक से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद वो 2022 में सोनाक्षी और हुमा कुरैशी की फिल्म डबल एक्सल में नजर आए। अपने 6 साल के फिल्मी करियर में जहीर ने सिर्फ इन्हीं दोनों फिल्मों में काम किया और यह दोनों फिल्म फ्लॉप रही। जहीर के पिता इकबाल रत्नासी सलमान खान के करीबी दोस्त हैं। जहीर को लॉन्च करने में सलमान खान ने उनकी मदद की थी। जहीर की तरह सोनाक्षी का करियर भी कुछ खास नहीं रहा। सोनाक्षी ने साल 2010 में सलमान खान की फिल्म दबंग से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। 14 सालों में करीब 23 फिल्मों में काम किया है, जिसमें से 15 फिल्में फ्लॉप रह चुकी हैं। सोनाक्षी ने आखिरी हिट फिल्म 2012 में दबंग 2 थी, तब से उनका करियर ट्रैक पर नहीं आया है। फिलहाल इन दोनों की शादी की रस्में जल्द शुरू होने वाली हैं और सोनाक्षी जहीर निकाह करके एक दूजे के होने वाले हैं। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।